दक्षिण गोवा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये चुनाव दो धाराओं का चुनाव है, एक धारा देश की आत्मा और विकास के लिए काम करती है तो दूसरी केवल अपने स्वार्थ और परिवार के लिए काम करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा नारा तुष्टिकरण नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ बोला आप भी सुनिए। गोवा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, यहां आना एक सुखद अनुभव होता है। भाई और बहनों, 24 का ये चुनाव दो धाराओं के बीच का चुनाव है। एक धारा एनडीए की है जो देश के नागरिकों की एस्पिरेशंस के लिए काम करती है, जो धारा हर काम में पूर्णता को लेकर के सैचुरेशन अप्रोच पर काम करती है और हमारे खिलाफ दूसरी धारा इंडी अलायंस की है जो अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार के लिए काम करती है। हमारी अप्रोच तुष्टिकरण की नहीं, हमारी अप्रोच संतुष्टिकरण की है। मुझे याद है मैंने यही गोवा में पहली बार भाजपा की इस सैचुरेशन अप्रोच पर विस्तार से बात की थी। सैचुरेशन अप्रोच यानी सबका साथ सबका विकास, सैचुरेशन अप्रोच यानी बिना किसी भेदभाव सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और हमारा गोवा तो इस सैचुरेशन अप्रोच का बेहतरीन मॉडल है। हमारे प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने सैचुरेशन अप्रोच को जिस प्रकार से जमीन पर उतारा है, यहां टॉयलेट कवरेज कितनी है 100%, यहां बिजली कवरेज कितनी है 100%, यहां एलपीजी कवरेज कितनी है 100%, यहां नल कनेक्शन कितने हैं 100%, और यही तो सच्चा सेक्युलरिज्म है, यही तो सच्चा सोशल जस्टिस है। इस 100% गवर्नेंस की गारंटी से सबसे अधिक लाभ गरीब को हुआ है, हमारे किसान भाई बहन को हुआ है, हमारे मछुआरे भाई बहनों को हुआ है, हमारी माताओं बहनों को हुआ है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में इतना सब कुछ हुआ है लेकिन मोदी चैन से बैठता नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं, मोदी जी इतना दौड़ते क्यों हो। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मोदी दिन रात आपके सपनों को जीता है।
आपके सपने ही मोदी के संकल्प है और इसलिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम 24/7 फॉर 2047। इतने सारे काम हुए, अनगिनत काम मैं बता सकता हूं। जीवन का कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, मैंने कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश की होगी और पिछले 10 साल में इतने सारे काम होने के बाद फिर भी मोदी दौड़ता है, क्योंकि ये जो 10 साल में मैंने किया है ना, इतना सारा किया है फिर भी मेरे हिसाब से तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, गोवा को, देश को बहुत आगे लेकर जाना है और आप मोदी की गारंटी नोट करके रखिए, आने वाले साल में गरीबों के 3 करोड़ नए पक्के घर बनेंगे और मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक काम करोगे, ऐसे नहीं, ऐसे जरा तेज गति से बताओ, मेरा एक काम करोगे। देखिए, चुनाव अभियान में आप घर घर जाते होंगे, मोहल्ले में जाते होंगे, गांव में जाते होंगे, कहीं पर भी अगर कोई ऐसा परिवार ध्यान में आए कि जिसको अभी पक्का घर नहीं मिला है, हो सकता है गांव में 5 लोगों को मिल गया होगा, एक आध छूट गया होगा, आप उनका नाम पता लिख लीजिए, मुझे भेज दीजिए। 4 जून के बाद, नई सरकार बनने के बाद, मेरी तरफ से उनको कह देना, तीसरी बारी में उनका पक्का घर पक्का हो जाएगा। तो बता दोगे? और ये मोदी की गारंटी है, उनको पक्का घर मिलेगा और आप भी उसी विश्वास से उनको कह देना कि आपका पक्का घर पक्का। क्यों? मेरे लिए तो आप सभी मोदी है। शहरों में जो हमारे मिडिल क्लास परिवार है, जो किराए पर रहते हैं, उनको भी अपना मालिकी का मालकिन हक वाला घर बनाने के लिए मदद दी जाएगी, ये भी मोदी की गारंटी बता दीजिए। अभी तक हमने घर घर सस्ते सिलेंडर का उज्ज्वला कनेक्शन पहुंचाया है, अब हम घर घर पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने के लिए तेज गति से काम करेंगे। अभी तक हमने करोड़ों गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया है, अब हम गोवा के हर परिवार में जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, जो 70 साल की ऊपर के हैं, और हम जानते हैं आज हमारे परिवारों में आजकल
माता पिता दादा दादी नाना नानी बुजुर्ग कोई न कोई तो बीमारी हो ही जाती है। सब कोई मोदी जैसे थोड़े होते हैं, कोई न कोई तो बीमारी हो जाती है। और जो घर में कमाने वाला बेटा होता है या बेटी होती है उसको अपने बच्चों को भी संभालना होता है, अपने बच्चों की भी चिंता करनी होती है और ऊपर से माता पिता की बीमारी का खर्चा जाता है तो मध्यम वर्ग के परिवार को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप घर घर जाकर के बता दीजिए, उनसे फॉर्म भर दीजिए कि 70 साल से ऊपर के कोई भी नागरिक होंगे अब उनका इलाज का खर्चा दिल्ली में जो आपका बेटा बैठा है ना वो मोदी करेगा। ये मोदी की गारंटी है। तो आप जाकर के फॉर्म भरवा देंगे सबका, हर एक का फॉर्म भरवा देंगे जो 70 साल से ऊपर के हैं कर लेंगे। दूसरा उसमें जो 85 से ऊपर के होंगे उनके लिए हमने नियम नया बनाया है, उनको पोलिंग स्टेशन पर आने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर से वोट कर सकते हैं। जो दिव्यांग है वो अपने घर से वोट कर सकते हैं।